माना तब जाति जनगणना। और मैं चाहूंगा कि इस भारत के सभी जाति के लोग इस जाति जनगणना में भागीदार हो। सबको राइट है इस भारत में जीने का। आप किसी भी अच्छे कामों का जाति के आधार पर विरोध ना करें, यह मेरा आग्रह होगा। या किसी जाति के खिलाफ नहीं है, या इक्वल इकोनॉमिकल फ्रीडम, बेरोजगारी और गरीबी को मिटाने के लिए जाति जनगणना है, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को उठाने के लिए जाति जनगणना है। इसलिए विरोध का कोई गुंजाइश नहीं हो। भाजपा अभी तक मौन है, इसमें भाजपा से बड़ा विरोधी मैं समझता हूं कोई नहीं। सर देखिए एक बात समझिए, जब आप समावेशी विकास की बात करेंगे और इक्वल विकास, आरक्षण क्यों आया था? आरक्षण लाए गए थे समाज के जो शैक्षणिक रूप से कमजोर लोग हैं, सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं, उसको डेवलप करने के लिए, उसको बराबरी में लाने के लिए। लेकिन अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं हुआ कि कौन एजुकेशन में पढ़ा, कौन नहीं गया, कौन अत्यंत पीछे के लोग आज तक एजुकेशन में डेवलप किए कि नहीं। कभी आरक्षण लाने के बाद इस पर अभी तक एक बार गंभीरता से नहीं ध्यान दिया गया कि इसके मुनाफे, इनका बेनिफिट पिछड़ा को, अत्यंत पिछड़ा को, दलित आदिवासी को कितना मिला। 9,68,00,000 आदिवासी है, उसमें उनको मिला कि नहीं। दलितों में किसको मिला, किसको नहीं मिला। अत्यंत पिछड़ा में किस जाति को मिली, कौन जाति नहीं, अभी तक हम सक्सेस कर पाए। उसी तरह यदि आप आरक्षण का, बिना जाति जनगणना के आरक्षण को आप 10% गरीब को, अमीर के लोगों को आप आरक्षण देने की बात हम लोगों ने की, हम इसके पक्षधर हैं किसी भी कीमत पर। आरक्षण के मुद्दों पर जाति जनगणना जब हो, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, मैं चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर जाति जनगणना में एक सबसे महत्वपूर्ण दो बात का ख्याल रखने की जरूरत है। उसमें बगैर बेरोजगारी और गरीबी के जनगणना के आप जाति जनगणना का जो आप एक बड़ा फ्रीडम चाहते हो कि हमें उन वर्गों को आगे लाना है जहां पर आज तक संख्या के आधार पर, मैं तो चाहता हूं जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी कर दो, राजनीतिक, सामाजिक, उसमें SC/SC को भागीदारी मिलेगी, अत्यंत पिछड़ों को भागीदारी मिलेगी। कोई भी जाति, मेरा आग्रह है, कोई भी जाति, चाहे ऊंची जात हो या जादव हो, यह अब नहीं कह सकता है कि इस भारत में जहां एक संविधान, एक लोकतंत्र, एक गीता, कुरान, बाइबिल है, रामायण है, उसमें समाज के हर वर्गों को उसके जनसंख्या के आधार पर बढ़ने का मौका नहीं मिले। इसके लिए नीतीश कुमार जी को फोकस करना पड़ेगा। अभी जो जाति जनगणना हो रही है उससे मैं थोड़ा सा, मुझे तकलीफ हो रही है कि लोग पक्के के मकान के पास जाकर के जाति पूछ लेते हैं और संख्या पूछ लेते हैं, कौन जाति का है, कितनी जनसंख्या, लिख देता है झोपड़ी। अब एक झोपड़ी में 10 आदमी है क्योंकि उसके पास 2 झोपड़ी नहीं है, तब जाति जनगणना। और मैं चाहूंगा कि इस भारत के सभी जाति के लोग इस जाति जनगणना में भागीदार हो। सबको राइट है इस भारत में जीने का। आप किसी भी अच्छे कामों का जाति के आधार पर विरोध ना करें, यह मेरा आग्रह होगा। या किसी जाति के खिलाफ नहीं है, या इक्वल इकोनॉमिकल फ्रीडम, बेरोजगारी और गरीबी को मिटाने के लिए जाति जनगणना है, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को उठाने के लिए जाति जनगणना है। इसलिए विरोध का कोई गुंजाइश नहीं हो। भाजपा अभी तक मौन है, इसमें भाजपा से बड़ा विरोधी मैं समझता हूं कोई नहीं है।